राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले पर छिड़ा सियासी घमासान अब हरियाणा तक जा पहुंचा। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब हरियाणा बीजेपी के नेताओं ने अपने अंदाज में दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अनिल विज और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि देश की जांच एजेंसी बिना सबूत किसी को नहीं पकड़ती है। आम आदमी पार्टी को अपने दुराचरण और भ्रष्टाचार का जवाब कोर्ट और सीबीआई के सामने देना ही होगा। देखिए, ये तो जो पार्टी है इनको देश की किसी भी व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। सत्ता में आने से पहले ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि किसी पे आरोप भी लगे तो बिना जांच के उसको हटा देना चाहिए। अब सीबीआई जैसी संस्था बिना सबूत के किसी को अंदर नहीं करती है, और उन्होंने लंबी जांच की है। लंबी जांच के बाद जब उनको तथ्य मिले हैं तभी उन्होंने इनको गिरफ्तार किया है। बिना मतलब के वो इनको हीरो क्यों बनाएंगे, और वो तथ्य सामने आ जाएंगे और इनको अपनी बात कहने का अवसर कोर्ट में मिलेगा। परंतु इस पार्टी ने तो हमेशा ये दंगा प्रेमी पार्टी है, हमेशा ये दंगा करते हैं हर बात के। ऐसा है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। जो दुराचरण है, भ्रष्टाचार है, उसका जवाब तो एजेंसीज को और कोर्ट में देना होगा। ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट का विषय नहीं है। पूरे इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज अपने तथ्यों के आधार पर काम करती हैं कि किस प्रकार से दिल्ली को शराब के नशे में झोंकने के प्रयास हुए, किस प्रकार के लाइजनिंग के साथ से काम हुए। ये जो मीडिया में जितनी बातें आ रही हैं मैं तो उतनी कह सकता हूँ, उससे ज़्यादा की जानकारी एजेंसीज देंगी और कोर्ट में आएगी। और ये सब घटनाएं केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट से टाली नहीं जा सकती, या देश को केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट से आप गुमराह नहीं कर सकते। वहीं सिसोदिया के बाद पंजाब के जेल में हुए गैंगवार को लेकर भी अनिल विज और ओपी धनखड़ ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। विज ने कहा कि आप पार्टी पंजाब की घटनाओं पर कुछ नहीं बोलती, कोई धरना नहीं देती, ना ही कोई प्रदर्शन करती है। वहीं धनखड़ ने पंजाब की घटनाओं को सीरीज ऑफ इंसिडेंट बताया है। अब ये देखो ना, आप पार्टी इसके ऊपर तो बोलती नहीं है, अब इसके लिए कोई धरना नहीं देती, इसके लिए कोई प्रदर्शन नहीं करती है। इन्होंने सत्ता ली थी और लोगों को बड़े बड़े स्वप्न दिखाए थे, पर जिस दिन से पंजाब में आप पार्टी की सरकार आई है, अब ये लगता तो ये है कि किसी प्लान के तहत, किसी साजिश के तहत ही ये सब कुछ हो रहा है। पंजाब में कई सारी घटनाएं हो गई हैं, एक घटना नहीं है, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स है, और जो देश हित के लिए अच्छी नहीं है। पूरा देश कंसर्न है, चिंतित है ऐसी घटनाओं से। बहुत वर्षों तक मेहनत करके पंजाब के लोगों ने वहाँ पर आतंकवाद को रोका था, फिर से आतंकवाद आम आदमी पार्टी की सरकार के समय में सर उठा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी के बाद अनिल विज और ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर धावा बोला। अनिल विज ने राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें पार्टी के अधिवेशन के दौरान उन्होंने कहा था कि हमारा सत्याग्रह बीजेपी के सत्याग्रह पर भारी पड़ेगा। तो वहीं ओपी धनखड़ ने भी राहुल गांधी के बयान पर चुटकी ली है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर तंज कसा। नहीं, वो तब माना जाता अगर 1947 के बाद जब महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को वाइंड अप कर देना चाहिए, ये वाइंड अप कर देते हैं, लेकिन सत्ता के लोभी कांग्रेसियों ने इसको वाइंड अप ना करके सत्ता हथियाने का काम किया और 50-60 साल देश के ऊपर राज किया, ऐसी पार्टी के लोगों को ये शब्दावली प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। घर राहुल जी ने बसाया नहीं, बसाते तो सब चीज़ होती। एक समय था, एक समय जब कांग्रेस आज़ादी के आंदोलन में थी, जब कांग्रेस का मतलब देशभक्ति भी थी, त्याग भी था, सारी चीज़ें थी। लेकिन अब कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार हुआ है, अब कांग्रेस का मतलब ऐसा शासन हुआ है जो देश को बहुत वर्षों तक आगे नहीं बढ़ा सका। मुझे याद है कांग्रेस के राज में घर में गैस जो है शुरू में तो MPs के कूपन से मिलती थी। मेरे घर में गैस ओम प्रकाश कोहली जी के कूपन से आई थी। इसी तरह से टेलीफोन MPs के कूपन से मिलते थे।
बहुत बुरी अवस्थाओं में, दो ही देश में कार होती थी कांग्रेस के इतने सारे राज में, दूसरी कारों के डिजाइन देखने के लिए नहीं मिलते थे बहुत वर्षों तक। अभी सोनिया गांधी के समय में भी लंबी लंबी लाइन गैस की लगती थी, लोगों ने रागनी बना दी थी सोनिया मैडम गैस दिलाते। कांग्रेस का कुशासन लोगों ने बहुत वर्षों तक देखा है और उसको लोग इतनी जल्दी भूल जाएंगे ऐसा नहीं। दिल्ली में शराब घोटाले पर सियासी घमासान मचा है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये दिल्ली का दंगल और क्या नया मोड़ लेता है। अंबाला से सूर्य समाचार के लिए नरेश सैनी और झज्जर से प्रदीप धनकड़ की रिपोर्ट।